नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का विषय है, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम आपका समय पर पूरा नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। उसमें से एक कारण है आपके यहाँ नॉर्थ जोन में उत्तर दिशा में स्टेयर्स बनी हुई है। स्टेयर्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेयर्स के साथ बहुत सारी गलतियाँ मैक्सिमम घरों में देखने को मिलती है। वो गलती आपने भी जरूर की हुई होगी। जो आपके स्टेयर्स के नीचे का भाग है, उसके अंदर आपने स्टोरेज बनाई हुई है या इन्वर्टर रखा हुआ है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके काम समय पर नहीं बनते। पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आपका समय भी लगता है, और कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि समय निकल गया। किस चीज़ का? आपके अपने काम का। जो काम आपका होना था, वो काम आपका समय पर नहीं हुआ, और वो प्रोजेक्ट, वो काम सारा आपका फेल हो गया। ऐसे ही दूसरी गलती कहाँ होती है? छत के ऊपर, यानी जो स्टेयर्स आपके नीचे बनी हुई है, छत के ऊपर जब ममटी बनती है, तो ममटी के अंदर भी इन्वर्टर रख लिया जाता है, एक्स्ट्रा सामान रख लिया जाता है, घर के अंदर जो एक्स्ट्रा पेटियाँ होती है वो रख दी जाती है, या एक्स्ट्रा कबाड़ रख दिया जाता है। और बहुत सारी जगह ऐसा भी देखने में आता है कि वहाँ पर गेहूँ की टंकी, अनाज की टंकी भी रख ली जाती है। ऐसा करने से नॉर्थ का भाग भारी हो जाता है, जिसकी वजह से जो काम आपके समय पर बनने चाहिए, वो काम आपके समय पर नहीं बनते, और आप अपने इन कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्टेज का नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी मोमटी तक, जितना भी भाग है, उस भाग में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। वो एरिया आपका कंप्लीट खाली होना चाहिए, और वहाँ पर आपकी ममटी के अंदर खिड़की लगी हुई है, तो आप उस खिड़की को भी जरूर खोलें। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिलीफ भी जरूर मिलेगा और आपके काम भी जरूर बनेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, तो उससे मेरी भी हिम्मत बहुत बढ़ती है। जितनी ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियो पे आएंगे, उतनी ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को और ज़्यादा बना कर दूंगा। और आप भी अपने किसी साइट के बारे में, या आपका अपना कोई क्वेश्चन है और उसके बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें। मैं आपके मैसेज का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।